ये कहते हुए खुशी है कि इन सभी क्षेत्रों में राज्य ने संगठित तौर पर प्रयास प्रारंभ किए हैं और उन प्रयासों का नतीजा भी दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूर हमें कुछ और दृढ़ता से काम करने की आवश्यकता है। हमने कुछ महत्वपूर्ण पहलें शिक्षा के क्षेत्र में की हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के क्षेत्र में भी की हैं। बहनों और भाइयों, हमने संसाधन जरूर विकसित किए हैं, हमने ढांचा जरूर खड़ा किया है मजबूत, मगर मानव संसाधन जो इन विभागों के अंतर्गत है उनसे मैं अपेक्षित सहयोग की प्रार्थना करता हूँ और राज्य के नागरिकों को एक अच्छी समुचित प्रभावी शिक्षा मिल सके और एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके, इसके लिए हमको नियोजित तरीके से काम करने की आवश्यकता है और उस दिशा के अंदर हम अपने तंत्र का सहारा लेकर के काम को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रशासनिक इकाइयों के गठन की दिशा में मेरी सरकार ने निरंतर कार्य किया है। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने लगभग सभी तहसीलों और उप तहसीलों का गठन कर लिया है। हम जिलों के गठन को राज्य की एक अपरिहार्य आवश्यकता मानते हैं और इस दिशा के अंदर भी हमने कई सकारात्मक पहलें कर दी हैं जिसका नतीजा बहुत शीघ्र हमको मिल सकेगा। और मैं राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, विशेष तौर पर जिन क्षेत्रों के भाई बहन राज्य जिले के गठन की मांग के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि राज्य छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए एक सुविचारित तरीके से जिलों का गठन करना आवश्यक है। उसके लिए हम सभी तरीके के सर्वेक्षण जुटा रहे हैं ताकि जिलों के गठन के समय प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न न हो और एक अस्त व्यस्त स्थिति पैदा न हो, और इसीलिए हमने तय किया है कि हम क्रमबद्ध तरीके से अगले 3 सालों के अंदर नए जिलों के गठन और कमिश्नरियों के गठन के काम को पूरा करने का काम करेंगे। नए विकास खंडों का सृजन एक कठिन कार्य है, मगर हमने रास्ता निकाला है कि हम छोटे उप विकास खंड अपने बड़े विकास खंडों के साथ गठित करके लोगों को विकास की इकाइयां नज़दीक मिल सकें, उस दिशा के अंदर काम करें। बहनों और भाइयों, गैरसैंण को हम अविकसित क्षेत्रों के लिए एक रोल मॉडल मानकर गैरसैंणियत को और उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भावना को निरंतर गतिमान बनाए हुए हैं। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी है कि जिस गैरसैंण के अंदर आज से 2 साल पहले तक यदि 20 अभ्यागत पहुंच जाते थे तो वह कहाँ रुकेंगे इसकी समस्या पैदा होती थी, आज वो गैरसैंण बदला सा गैरसैंण 2000 से ज़्यादा अभ्यागतों के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। हमने ढांचागत क्षेत्र में कई पहले वहाँ प्रारंभ कर दी हैं और मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने उत्तराखंडियत का जो रोड मैप प्रारंभ किया है, हमने राज्य आंदोलन की भावना को समाहित करते हुए जिन रास्तों का चुनाव किया है उन रास्तों पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और आज मैं यहाँ राज्य स्थापना के इस मौके पर आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस भावना को, राज्य आंदोलन की भावना को, हम निरंतर पूरी शक्ति के साथ, शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सबके सहयोग से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो प्रश्न राज्य के सम्मुख हैं, जिनको यदा कदा हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से लोग अभिव्यक्ति देते रहते हैं, हम उस चुनौतियों से वाकिफ हैं और उन चुनौतियों का भी उत्तराखंड मिलजुल करके हल निकालेगा, उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेगा। मैं इस अवसर पर अपने सभी उन भाई बहनों को जिन्होंने राज्य स्थापना के लिए बलिदान दिया उनको प्रणाम करता हूँ। और हमने तय किया है कि हम हर वर्ष अपने राज्य आंदोलन के शहीदों के स्मारकों को और भव्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। और आज हमने देहरादून के अंदर अपने शहीदों के मूर्तियों का अनावरण करने का काम किया है और इसी प्रकार से हम राज्य की विधानसभा के परिसर में अपने सभी शहीद राज्य आंदोलनकारियों की मूर्ति को स्थापित करने का काम भी करेंगे। मैं
इस अवसर पर आप सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर आप सब की ओर से राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को भी सत नमन करता हूं। मैं अपने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों, देश की सीमाओं व देश की आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए भाइयों की स्मृति को भी प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।